सबसे पहले देखिए, ये फरवरी 18 का टेलीग्राम अकाउंट है जिस पर लिखा है अरुण सर रीजनिंग। इस पे लिखा है, ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो एग्जाम अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है, ये मुझे किसी छात्र ने भेजा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वही पेपर है जो अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। ये आपने पोस्ट किया है 18 फरवरी को 9:16 पर। तो आप ये कह रहे हैं कि 9:16 पर आपको ये जो आपने यहां पर लगाया है प्रश्न पत्र, ये आपको मिल गया था? हाँ सर, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये टेलीग्राम चैनल मेरा ही है और फरवरी 18 को 8:57 पर मेरे पास एक छात्र का जो है पीडीएफ आया और उसने कहा कि ये सर पेपर वही है जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 18 की सुबह को चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दावा भी किया था कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, इस बात का सच तो पेपर होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन संयोग से ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था। इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर शुरू हुआ था कितने बजे शुरू हुआ था सर? वो 10 से 12 10 से 12 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आपके पास 9:15 उसका जो आंसर शीट है वो आ जाती है। एक बार मैं आपको वापस दोबारा पहले वाले उस पर हम लेकर जाना चाहेंगे आपको। ये देखिए 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आप 9:16 पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास आंसर शीट आ गई। अभी इसमें मेन बात क्या है सर, ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं मिला, इसलिए मैंने दाव भी दिया कि 45 मिनट पहले आपको भी कैसे पता होगा कि ये वही पेपर है या नहीं है। लेकिन ये पेपर हूबहू उसी दिन शाम को आया 3 से 5 वाली शिफ्ट में, यानी पेपर जो आया है ये 3 से 5 वाली शिफ्ट का है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो इनके पास पेपर आया है 9:15 सुबह, ये शाम को जो पेपर होने वाला था कितने बजे होता है वो? 3 से 5 की शिफ्ट। 3 से 5 वो 3 बजे वाला जो क्वेश्चन पेपर था ये वो पेपर था जो इन्हें 9:15 मिला जी। उसके बाद क्या हुआ? ये जो मुझे पेपर बेसिकली मिला था, अगली स्लाइड लगाइएगा एक बार, ये जो पेपर मुझे मिला था मुझे एक छात्र ने भेजा था और ये उस छात्र ने मुझे संडे यानी रविवार को 18 तारीख को ही मुझे भेज दिया था और ये मुझे 8:57 पर प्राप्त हुआ था। और बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ये उस मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, लेकिन जब इसे मैच किया गया तो ये उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट को मिला। मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था हाँ। लेकिन शाम वाली शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है वो हुँ ये हुँ उसका क्वेश्चन पेपर था, हूबहू मिल रहा है जी। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं और मैं ये भी चाहूंगा कि हम वो क्वेश्चन पेपर क्या था, वो आंसर शीट कैसे लिखी हुई थी, वो भी हम आपको आगे बता सके, वो भी हम आपको आगे दिखा सके। देखिए ये देखिए, उसी पेज की एक और कॉपी जो कि दूसरी हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी, वही कॉपी हमें एक और जगह प्राप्त हुई 3:31 पर। यानी ये पेपर भी सेम था और ये भी सेम था, लेकिन इसमें हैंडराइटिंग दूसरी थी, तो इसका मतलब है कि कहीं और से लीक हुआ। इसका मतलब जो आंसर शीट है हाँ जी, वो कई जगहों से लीक हो रही है, कई जगह और कई लोगों ने अलग अलग हैंडराइटिंग में उसकी जवाब जो है वो लिखकर आगे लीक किया, आगे लीक किए हैं। अच्छा जी, तो और देखिए लिख रहे हैं इसमें कि काफी लड़के इसे शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं आने वाली शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप देखिए। और ये 6:55 पर सर मैसेज आ गया कि ये पेपर मैच है। हाँ, और 6:55 पर ये मैसेज आता है कि सर ये पेपर मैच है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखिए आगे और क्या है आपके लिए। ये देखिए, अब ये हमारे पास सर क्वेश्चन और आंसर। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों को देखनी चाहिए और जो लोग जांच कर रहे हैं सरकार की तरफ से, जो कमेटी बनी हुई है उसे भी जो देखना चाहिए ध्यान से, वो सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये है। अरुण जी अब बताइए सर, ये देखिए पेपर कितने सुकून से कितने आराम से लिखा गया, इसमें 2 इंक का इस्तेमाल किया है, रेड में आंसर्स लिखे गए हैं और ब्लैक में यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसका मतलब जिसने भी ये पेपर आउट किया था उसके पास भरपूर समय था, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अमूमन जब पेपर आउट होता है तो उसमें हिंट लिखे जाते हैं, यहां क्वेश्चन लिखा और उसके साथ आंसर। अब मैं आंसर मैच कराता हूं सर जी। मान लीजिए कि हमारे पास ये सवाल था, वेन डायग्राम से सवाल एक संबंध रखता था कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो ये 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन 4 ऑप्शन का जो इन्होंने आंसर लिखा है वो लिखा है C+A+B। C+A+B का अर्थ यह है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर था C, A और B। ये जो ऑप्शन यहां दिया है C+A+B वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर, पहली बात तो ये कि आंसर शीट में जो सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर में है और जो जवाब दिया गया है उसका वो भी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें सीक्वेंस इसलिए नहीं मैच हो रहा क्योंकि हर पाली में 4 शिफ्ट होती हैं, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन सेम होते लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है जी। अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और इसके 4 विकल्प है सॉल्व करने के बाद, 20 ये आ गया, 70 है, 62 है, 57 है, 38 है। इसका उत्तर आपको यहां दिखाई देगा, ये रहा 70, इन्होंने लिख रखा है इस प्रश्न का सॉल्यूशन, ये रहा 70 जी इसी शीट के अंदर जी। आगे और भी सवाल आप मैच करते हैं सर, जैसे आकृति का है, इसमें प्रश्न होता है कि कौन सी आकृति है, इसमें आपको यहां पे मिरर इमेज की बात करते हैं इसकी, तो मिरर इमेज की जो आकृति है वो आकृति वाला सवाल यहां पे दिया गया है, आकृति एक्स की सही जगह ये रहा, ये आकृति एक्स के लिए यहां पे लिखा गया है, ये आकृति वाले सवाल का उत्तर था। और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था हमारा रीजनिंग में, ये एनवायरमेंट शब्द से इस लेटर का इस्तेमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और वहां पर जो इसका उत्तर है आप ऑप्शन में देखेंगे सर, क्लियरली लिखा हुआ है IMINENT जो कि ऑप्शन जो ऑप्शन सी है सी ऑप्शन वो है इमिनेंट। इन्होंने फिर इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी दिया, ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे थे, तो इन्होंने इसे लिखा 3-0 है, 3 सर्कल बना के इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। 3-0 का मतलब ये सर बेसिकली बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स का जो डायग्राम बनना था, तो उन्होंने सही तरीके से तो इसे नहीं रखा हाँ। लेकिन ये कंफर्म है कि ये इसी प्रश्न का आंसर था, लेकिन यहां पे इन्होंने ऑप्शन के साथ मैच कर दिया, 31 और 3-0 दिए गए जी।
अब हम अगले उस पर चलते हैं स्लाइड, एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं जिससे आपको यह साबित हो जाएगा कि यह पेपर पहले बाहर कैसे आ गया। ये भी शायद अभी वही स्लाइड से लग गया है। अब देखिए ये स्लाइड देखते हैं, ये सर जीके का सेक्शन है उसी का। हाँ। अब आप ही देखिए सर, आपको वहां पे आंसर दिख जाएगा। मोहम्मद शमी देखिए सर, ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मोहम्मद शमी इसका पढ़कर बताता हूं। सवाल है, निम्न में से किस क्रिकेटर खेले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता, किस क्रिकेटर ने अर्जुन पुरस्कार जीता? जवाब देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, मोहम्मद शमी। और इसी सेम लैंग्वेज में सर आपको इसका ये क्वेश्चन ये पढ़िए और ये उत्तर देखिए। ये असली क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? और फिर ये ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, और यहां भी मोहम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, म्यांमार की मुद्रा क्या है और उसका आंसर काट के इन्होंने कयात लिखा है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, पहला ही सवाल है, और उसमें ऑप्शन सी है म्यांमार। म्यांमार, तो ये इसकी पुष्टि सेम यहां पे हुई है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सैन्य पुरस्कार है और यहां लिखा है परमवीर चक्र? तो सर आप इस उत्तर को देख, क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ध्यान जाएगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है और ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, ये भी यहां पर लिखा हुआ है।